कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कई बार कांग्रेस को विषम स्थितियों से निकालने वाले कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी अब रायबरेली में उतर गए हैं। शिवकुमार ने मंगलवार को राहुल गांधी के लिए चुनाव अभियान की अगुवाई को लेकर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका की घोषणा की है। शिवकुमार के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी बुधवार को रायबरेली आ रहे हैं। वे रायबरेली के साथ ही अमेठी में भी पार्टी के लिए माहौल बनाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे लखनऊ में मीडिया से बातचीत भी करेंगे। रायबरेली के लिए पहले ही छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम बघेल को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा जा चुका है। इसी के साथ रायबरेली में चुनाव के लिए प्रियंका गांधी भी रात दिन एक कर रही हैं। बताते चले, रायबरेली में आने वाली 20 मई को वोटिंग है। रायबरेली के लिए रवाना होने से पहले शिवकुमार ने पत्रकारों को भी संबोधित किया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए डीके शिवकुमार ने जानकारी दी कि वो रायबरेली में राहुल गांधी के लिए चुनाव प्रचार में व्यस्त रहेंगे। इसी के साथ उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और प्रशंसकों से आग्रह किया कि राज्य भर में सूखे के मद्देनजर 15 मई को उनका जन्मदिन न मनाया जाए, न ही उनके आवास या फिर कार्यालय में कोई आए। अपने संबोधन में डीके शिवकुमार ने कहा, मैं उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए रायबरेली जा रहा हूँ। आज प्रस्थान करते ही मैं अगले 2 दिनों के लिए बेंगलुरु से दूर रहूंगा। मैं अनुरोध करता हूं कि 15 मई को मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में मेरे आवास के पास कोई भी उत्सव ना हो, किसी भी उत्सव से बचें। अपने संबोधन में डीके शिवकुमार ने जीत का भरोसा भी दिलाया। उन्होंने कहा, माहौल अनुकूल है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि इंडिया गठबंधन विजयी होगा। इससे हमारे लिए सत्ता संभालने का मार्ग प्रशस्त होगा। इसी के साथ उन्होंने कर्नाटक में कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए महाराष्ट्र मॉडल को दोहराने के प्रयासों के संबंध में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कथित बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुझे लगता है कि उनकी अपनी सरकार संकट में होगी, क्योंकि वहां चीजें उलट सकती हैं। बता दें, कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक से इस बार काफी उम्मीदें हैं। कर्नाटक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का गृह राज्य भी है। कांग्रेस पिछले साल ही कर्नाटक में सत्ता में लौटी थी। सिद्धारमैया 20 मई को 1 साल पूरा करेंगे। इसी दिन रायबरेली में वोटिंग भी होनी है। गौरतलब है, राहुल गांधी को विजयी बनाने के लिए पार्टी की ओर से हर संभव प्रयास किया जा रहा है। डीके शिवकुमार के साथ ही कांग्रेस आलाकमान भी राहुल गांधी के समर्थन में यूपी आ रहे हैं। बता दें, खड़गे सबसे पहले लखनऊ आएंगे। यहाँ 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो रायबरेली जाएंगे। यहाँ 1:30 बजे हरचंदपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद खड़गे अमेठी प्रस्थान करेंगे। यहाँ 3:15 बजे एक जनसभा को संबोधित करेंगे।